बात नहीं छे, गमन सौंप है खेत में पकड़ा गया है, बहुत ही बहुत जहरीला सौंप, इसको बिहार में भारत में कोबरा सौंप कहा जाता है। देखिए डिब्बा में तोरा से नहीं जी तो छिटक जे तो हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक लवर में। दोस्तों अभी जाकर जो है हम बोचाही आए हैं और यहाँ एक बहुत ही अनहोनी घटना होते होते बच गई। ये हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक गलती से एक सांप को रेस्क्यू करना चाहा। इनका इंटेंशन भले ही जो हो सांप बचाने के लिए भले ही ये कर रहे हो, लेकिन दोस्तों वो कोबरा सांप है और कोबरा सांप भारत देश का सबसे जहरीला सांप में एक है और इसके काटने से हर साल आए दिन लगभग 10 से 15 हज़ार मौतें होती है। तो आप जब पकड़े थे इस सांप को तो क्या आप सोच के पकड़े थे? यही कि मेरा मम्मी जाता है खेत बुत में यारे पकड़ के इसको अच्छा से हटा देने, इसको हटाना चाह रहे थे। तो आप कैसे पकड़े थे? जो है कि मेरा रसून ने गया था खेत में, जैसे जैसे खेत जा रहा था उसी से हम भी जा रहे थे और उसका पीछे करते करते भी कुछ नहीं कर रहा था मैं, हम भी कुछ नहीं तो पकड़ रहे थे। फिर उसके बाद फिर रिटर्न आया वही दिन में जाकर डूब रहा था, कुछ कुछ भी पकड़ लिए उसके बाद वो रिटर्न आया के लिए। उसके बाद हम जो है ना एक फिर इधर से हड़काए, फिर दूसरा बिल में मुड़ी दिखाया, उसके बाद हम ओकर मुड़ी दावे, क्या चीज से दावे, थोड़ा वहाँ लाठी था हाँ वही वहाँ दावे, ओकर बाद पकड़े निकाले और उसके बाद इसको अंदर इसके आराम से डाल दिए तो आपको पता है हम लोग भी सांप पकड़ते हैं, आए दिन हम लोग को भी देखे होंगे आप सांप पकड़ते हुए। हम लोग भी प्रोफेशनल हैं और कई हज़ार सांप पकड़ चुके हैं लेकिन आज तक हम लोग भी हेड कैच जल्दी नहीं करते। तो अगर आप सांप का गर्दन पकड़े तो इसका मतलब सांप बहुत गुस्सा आ जाता है। जब आप सांप का या किसी का भी गर्दन पकड़िएगा तो कोई भी गुस्सा आ जाएगा और इन केस यदि आपको गलती से बाइट कर देता तो हद से ज़्यादा जहर वो आपको छोड़ देता। तो आपका एक माइनर सा चूक जो है आपका जान का दुश्मन बन जाता है। आइंदा आप लोग ऐसी गलती ना करें। और दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि कुछ स्नेक सेवर ऐसे हैं जिनके कारण ही ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसे स्नेक सेवर हैं जो हर सांप को गर्दन से पकड़ के रेस्क्यू करते हैं और हमारे नवयुवक भाई लोग जो है उनको देख के उनकी नकल करने की कोशिश में, चाहे उनका इरादा सांप को बचाने का हो या फिर उनके साथ थोड़ा सा मौज मस्ती करने का हो, और ये चूक जानलेवा होती है। आपकी एक जरा सी गलती आपके परिवार पे भारी पड़ सकती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो आप माँ की हिफाजत करने के लिए सांप को हटा रहे थे, ठीक बात है, लेकिन यदि आपको कुछ हो जाता तो आपके माँ को कौन देखता फिर? आइंदा ऐसी गलती से बचिए। हम लोग हैं, हम लोग आते हैं, हमेशा आए हैं, तो कभी भी सांप दिखे, खतरा लगे, हम लोग को कॉल कीजिए, हम लोग आकर रेस्क्यू करेंगे। आप खुद से उसमें इन्वॉल्व मत हो क्योंकि छोटा सा चूक जो है जान का दुश्मन बन जाता है। इसका एक ही उपाय है, अगर सांप काट लेता है तो अगर आपको टाइम पे ट्रीटमेंट आप नहीं मिल पाता है तो मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, वो भी 2 से 3 घंटे में, 3 घंटे की जिंदगी आपको बहुत हो जाएगी फिर। तो इसलिए आइंदा ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों हमारे जितने भी दर्शक हैं हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, खुद से सांपों को ट्रीट नहीं करें अगर उनको जानकारी नहीं है, और खास करके ऐसे सांपों से। तो चलिए अब हम इस सांप को निकाल के रेस्क्यू करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है और बहुत जहरीला सांप होता है। आज इनकी जान बच गई, बहुत किस्मत वाले रहे ये।
लेकिन कईयों की जान चली जाती है। तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। काफी बड़ा सांप है, काफी बड़े साइज का कोबरा है। ठीक है, थोड़ा सा पानी लाइएगा, सांप बहुत गंदा है, इसको थोड़ा साफ करना है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा नाग सांप है और कैसे इन्होंने पकड़ लिया इसे। थोड़ा सा पानी लाइएगा, ठीक है। एक अच्छी बात है कि अभी सर्दियों का मौसम है, सांप थोड़े कम एग्रेसिव होते हैं। अगर यही गर्मी रहती तो सांप नहीं पकड़ बहुत मुश्किल हो जाता, कि है सांप नहीं छोड़ता। नहीं, बिल्कुल केचुआ में नहीं है। केचुआ में यदि सांप रहता है तो उसका आँख व्हाइट हो जाता है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, काफी मिट्टी लगी हुई है इस पर। कपड़ा होगा और ऐसे में हम खुला नहीं रख सकते हैं सांप को। नहीं झलके थी आगे देखो ना। गर्दन दबाना से नॉर्मल से नहीं। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग कितना सेफ तरीके से रेस्क्यू करते हैं, ये आप देख लीजिए एक बार। हेलो, दोस्तों आपने देखा हमने अच्छी तरह से इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया और इसे ले जाकर हम लोग ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां यह अपनी जिंदगी अच्छे से सरवाइव करेगा, लोगों से दूर। और फिर से एक बार बोलते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं दोस्तों कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, अपनी जान का दुश्मन ना बने। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं साथियों फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत। राष्ट्रपति भवन बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये कोबरा सांप है जिसे हम लोग अभी बोचाही से लेकर आ रहे हैं और वहाँ लड़के ने इसे पकड़ लिया था तो काफी डरा हुआ था वो भी, चूंकि पकड़ तो लिया था उसने, लेकिन जो है इसे कैसे छोड़ा जाए फिर उसे बहुत डर लग रहा था छोड़ने के समय। हालांकि किसी तरह से उसने इसे डब्बे में बंद तो कर दिया, लेकिन बहुत गलत है ये चीज़, ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो कृपया ऐसे कामों से खुद को दूर रखें, चूंकि ये काम प्रोफेशनल का है, उन्हें ही करने दें। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है दोस्तों, जहरीला सांप होता है। तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं और रिलीज करते हैं प्रकृति परिवेश में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नाग सांप, खरीस गेहूमन इसी का नाम है। तो इसे अब हम लोग यहाँ रिलीज कर देते हैं झाड़ियों के पास, यहाँ अब अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से सरवाइव कर लेगा।